हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टूडियो में राजस्थान पॉलिटेक्निक 2021 के बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लाइक उसका एप्लीकेशन किस तरह से भर सकते हैं, उसका एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ राजस्थान पॉलिटेक्निक 2021 का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन राजस्थान पॉलिटेक्निक 2021 के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, हर एक चीज़ फुल डिटेल में जानेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर राजस्थान पॉलिटेक्निक 2021 का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है या कोई भी न्यूज़ आती है उसके रिगार्डिंग, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं राजस्थान पॉलिटेक्निक 2021 के बारे में डिटेल में जानना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे जो है google.com ओपन कर देना है, और google.com ओपन करते ही आपको वहाँ पे जो है सर्च करना होगा राजस्थान पॉलिटेक्निक 2021, और आगे आप लोगों को लिख देना है cet.co.in। अब आप लोगों का cet.co.in लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको राजस्थान पॉलिटेक्निक 2021 के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन फुल डिटेल में जानने मिल जाती है। साथ ही साथ ये वेबसाइट जो है राजस्थान पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ डेली बेसिस पे अपडेट भी होती रहती है, तो यहाँ पे आपको जो है फुल अपडेट और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। तो आपको सिंपली cet.co.in लिख के जो है सर्च कर लेना है गूगल में। जैसे आप गूगल में जब सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है गूगल में, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना और उसे ओपन कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपके सामने एक जो सीटीटी वेबसाइट है उसका एक पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको राजस्थान पॉलिटेक्निक 2021 की फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने को मिल जाएगी। तो गाइस, जो राजस्थान पॉलिटेक्निक का जो एडमिशन है वो जो कंडक्ट किया जाता है वो डीटीई के द्वारा, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता है, और राजस्थान पॉलिटेक्निक के हेल्प के द्वारा डायरेक्टली जो स्टूडेंट्स को है अलग अलग प्रोफेशनल पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज में भी जो है डायरेक्टली एडमिशन मिल सकता है। उसी के साथ साथ डायरेक्टली लेटरल एंट्री में भी उन्हें जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में जो है एडमिशन मिल सकता है, उनके एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया के ऊपर, एलिजिबिलिटी के बेसिस के ऊपर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके हाईलाइट्स के बारे में। लाइक इसका जो है नाम एग्जाम का, वो तो आप लोगों को पता ही है, राजस्थान पॉलिटेक्निक जो टाइप ऑफ एग्जाम है यूजी लेवल है, लेवल ऑफ एग्जाम स्टेट लेवल है, जो कोर्सेज यहाँ पे ऑफर कराए जाते हैं डिप्लोमा के है, और जिसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ऑफिशियल अथॉरिटी है वो है डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान डीटी, हमने ऊपर देख चुके ऑलरेडी। जिसका एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन रिलीज होगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपका एप्लीकेशन फिल करके जो है सबमिट करना रहेगा। लास्ट में आपको यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है राजस्थान पॉलिटेक्निक की। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्विक लिंक्स दिखाई देगी। सो गाइस, अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में और डिटेल में जाना है तो आपको सिंपली उसके सामने क्लिकर पे क्लिक करना होगा, और क्लिक करते ही आप जो एक न्यू पेज पे चलेंगे वहाँ पे आपको राजस्थान पॉलिटेक्निक एडमिट कार्ड के बारे में फुल डिटेल जानने को मिल जाएगी। तो इन सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके फुल डिटेल में किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है तो आसानी से जान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी एग्जाम डेट्स की। सो गाइस, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेकेंड वीक ऑफ जून से जो स्टार्ट हो जाता है एप्लीकेशन प्रोसेस इसका, और इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस एंड होता है फाइनल डेट जो है वो थर्ड वीक ऑफ जुलाई है, थर्ड वीक ऑफ जुलाई को इसका एप्लीकेशन प्रोसेस जो एंड हो जाता है। फिर इसका जो काउंसलिंग है वो फोर्थ वीक ऑफ जुलाई में रिलीज होता है। उसी तरह से हर एक इवेंट की आपको यहाँ पे डेट्स दे दी गई, आप फुल डेट्स जो है डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म की बात करेंगे। सो गाइस, जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है राजस्थान पॉलिटेक्निक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर कोई भी मिस्टेक करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम या कोई भी फेक डिटेल्स भरते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। और एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इशू फेस करते हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग, वो ये है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि किस तरह से जो एप्लीकेशन फॉर्म पे में डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कितनी साइज़ में कौन से फॉर्मेट में जो अपलोड करना होता है, वो किसी भी साइज़ और किसी भी फॉर्मेट में अपलोड करते हैं, और इस वजह से उनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। सो गाइस, आप लोगों के साथ ऐसा ना हो इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन उसे भी दबा के रखना है, ताकि अगर जैसे ही हम आगे अभी राजस्थान पॉलिटेक्निक 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसमें हम आपको वीडियो बना के बताएंगे कि किस तरह से आप जो एप्लीकेशन भर सकते हैं, लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताया जाएगा आपको उसमें, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर फोटोग्राफ है उसे कितनी साइज़ कितनी केबीस में सेव करना है, कौन से फॉर्मेट में अपलोड करना, हर एक चीज़ की डिटेल आपको उस वीडियो में बता दी जाएगी। तो मेक श्योर कीजिएगा आपने जो हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन उसे भी दबा के रखा हो, ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरते जब कोई भी दिक्कत हो आप आसानी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकें। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहेंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरते जब, वो यहाँ पे बता दिया गया है। आपका पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर रहेगा, 50 KB में की साइज़ उसकी रहनी चाहिए, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहना चाहिए, अगर आप टेंथ राजस्थान के बाहर से पास किए हो तो, फिर पेमेंट की स्लिप और जो आपका टेंथ और ट्वेल्थ का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास रहना ज़रूरी है।
सो गाइस अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जो एप्लीकेशन फ़ी आप डायरेक्टली ऑनलाइन में भर सकते हो, या तो ई मित्र सेंटर में भी आप डायरेक्टली जाके एप्लीकेशन फ़ी भर सकते हो। जो एप्लीकेशन फ़ी है टोटल 300 रुपीज़ है हर एक कैंडिडेट के, चाहे वो कोई भी कास्ट से बिलोंग करता हो, जनरल कास्ट से बिलोंग करता हो या फिर रिजर्व कास्ट से बिलोंग करता हो। और आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो नॉन रिफंडेबल, आपकी एप्लीकेशन फ़ी रिफंड नहीं होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो गाइस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, अगर आपको इसके एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना होगा सबसे पहले, तभी आप जो इसके एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, ना आप इस एग्जाम के लिए अप्लीकेबल नहीं रहोगे। जो आप इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जो फुल डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक कोर्स के अलग अलग है। लाइक अगर इंजीनियरिंग लेटरल के लिए आपको एडमिशन चाहिए, तो उस कोर्स के अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ पे आके हर कोर्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपने हिसाब से जो कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस कोर्स के हिसाब से आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो क्या नेक्स्ट आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट दिख रहा होगा, तो मेरिट लिस्ट जो होता है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो रिलीज होता है, और आपका नाम अगर मेरिट लिस्ट में आ जाए तो आपका एडमिशन जो ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है। सो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबा के रखिए, ताकि जैसे ही राजस्थान पॉलिटेक्निक 2021 का मेरिट रिलीज होगा, तो हम तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे कि इसका मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज हो चुका है, और आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम वो उस मेरिट लिस्ट में आया हुआ है या नहीं। सो फ्रेंड्स आई होप कि अभी आपको राजस्थान पॉलिटेक्निक 2021 के रिलेटेड कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहेगी, अभी भी कोई प्रॉब्लम फेस होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपकी क्वेरी की जो है पूरी जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो से आपको हेल्प मिली, ये वीडियो आपके लिए जो है नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।